ये सामान लेके मैं मनोज के पास ही जा रही हूँ डैडी जी। कैसे? मनोज यहाँ थोड़ी है जिससे मिल लेगी तू? मनोज यहाँ नहीं है, पर मैं तो जॉर्जिया जा सकती हूँ ना। वीजा सिर्फ मनोज के फार्म भरने से थोड़ी लगता है, मैंने भी ट्राई किया, लग गया। मेगा वर्सिंग सीरियल में फिलहाल हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार हमारी मेगा पर एक बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अर्जुन तलवार अपनी मेगा का सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी मेगा को गोली लगेगी, लेकिन इस बार अर्जुन तलवार अपनी मेगा की जान भी बचाते हुए दिखाई देगा। चल कोई ना, मोहल्ले वालों के सामने माफी नहीं मांगनी, मत मांगो, लेकिन कम से कम तेरे माँ बाप को तो आना चाहिए हमसे मिलने के लिए यहाँ पे। आप समझे नहीं मेरी बात, मैंने जो कल कहा वो सच था और उस बात की मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बस ये सारी बातें जिस तरह बाहर आई मुझे वो गलत लगा। अच्छा, फिलहाल आपको बता दूं कि एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर इवेंट स्टार्ट होता है। जिस इवेंट के लिए हमारी मेगा ने कोरियोग्राफी की थी, पुलिस वालों को डांस सिखाया था, वो इवेंट स्टार्ट होता है और यहाँ पर अर्जुन की डांस परफॉर्मेंस चल रही होती है, सभी पुलिस वालों की डांस परफॉर्मेंस चल रही होती है। तो ये कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि भाई वही स्टॉकर जो हमारी मेगा का पीछा कर रहा था, उस पर नजर रखे रखा था, वो इंसान इस बार यहाँ पर भी पहुंच जाता है और इस बार वो इस मौके का फायदा उठाने वाला है। ये सुनाने आई है तुम्हें? अगर ऐसी गल है ना तो वापस लौट जा। ओए, फैदा तू सारा ही सामान ले आई, फैदा की मतलब है अब तू लौट के नहीं आएगी क्या? पहले मैं मनोज को तो बता दूं, उसे पता चलेगा ना सारा सामान लेके जा रही है, तूफान खड़ा कर देना उसने। क्योंकि अर्जुन तलवार जो है वो तो डांस करने में बिजी है और यहाँ पर उसका मेन सीधा टारगेट होता है मेगा। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं यहाँ पर अर्जुन तलवार डांस कर रहा होता है, अपनी परफॉर्मेंस को दे रहा होता है और भाई ये परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल बिल्कुल धांसू होती है, जिसे देखने के बाद हमारा दिल भी बेहद खुश हो गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार हमारी मेगा मैडम भी अर्जुन तलवार की इस परफॉर्मेंस से बेहद इंप्रेस हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि भाई ये स्टॉकर जो है वो सीधा हमारी मेगा पर गोली चला देता है, लेकिन राहत की बात तो ये है कि इस बार गोली सिर्फ हमारी मेगा के हाथों को छूकर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेगा को सिर्फ छोटी मोटी चोट आती है, लेकिन भाई मेगा की जान बच गई है। और इस बार अर्जुन तलवार के हाथ में ये स्टॉकर भी आ जाता है और इसके पीछे से बड़ा राज भी खुल गया है। और आपको बता दूं कि ये स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि सोनम का होने वाला पति यानी कि वो फ्रॉड दूल्हा राजबीर था। और इस बार अर्जुन तलवार उसे अरेस्ट भी कर लेता है और यहाँ पर वो तुरंत हमारी मेगा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसकी वजह से फिलहाल मेगा ठीक है। और वही कहानी में आगे हम देखते हैं कि इस बार सास ससुर यानी मेगा के सास ससुर पहुंच जाते हैं मेगा के घर के बाहर और मोहल्ले वाले मिलकर, सास ससुर मोहल्ले वाले मिलकर इस बार हमारी मेगा और अर्जुन के बारे में अनाप शनाप बातें करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन तलवार और मेगा का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें अर्जुन तलवार ने मेगा को गोद में उठाया हुआ है और यहाँ पर सभी लोग मेगा और अर्जुन तलवार के बारे में भली बुरी बातें कहते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर हमारी मेगा जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नजर आएगी और इस बार वो अपने सास ससुर को उनकी असली जगह दिखाएगी और सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी।